हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सिविल इंजीनियर। माय नेम इज लोकेश कश्यप। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर फॉर एम थर्टी में जो लगने वाला सीमेंट सैंड और एग्रीगेट है और एंड वाटर जो उसमें जो लगने वाला जो क्वांटिटी है उसको मैं आज कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो मटेरियल को जो रिक्वायर्ड करूँगा कैलकुलेशन करूँगा वो 1 MQ के लिए निकालूंगा, पर MQ के लिए। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है क्यूब का। ठीक है दोस्तों, मैं जो अपना ग्रेड जो है, कौन सा ग्रेड है दोस्तों, M30 है। M30 का जो ग्रेड होता है दोस्तों, वो होता है 1:0.75:1.5। ठीक है दोस्तों, ये 1 क्या हो गया, हमारा सीमेंट हो गया। ठीक है, और 0.75 क्या हो गया, हमारा सैंड हो गया। और ये कितना हो गया, 1.5 हमारा, ये हो गया हमारा एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये क्या तीनों का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, सीमेंट कितना लग रहा है, कितने रेशियो का लग रहा है और सैंड कितना लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो बात करता हूँ उसमें डेंसिटी की, जो मैं निकाल दूंगा डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की डेंसिटी कितनी लेके चलते हैं दोस्तों, 1440 kg/m³। ठीक है दोस्तों, ये क्या सीमेंट की डेंसिटी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ सैंड की, सीमेंट सैंड की जो डेंसिटी होती है 1450 से लेकर 1600 kg/m³। ठीक है दोस्तों, अब फिर डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है कितनी दोस्तों, 1450 से लेकर 1550 kg/m³। ठीक है दोस्तों, सीमेंट की डेंसिटी कितनी है, 1440, और सैंड की जो डेंसिटी लेके चलते हैं 1450 से लेकर 1600 तक, और एग्रीगेट के जो लेके चलते हैं 1450 से लेकर 1550 kg तक अपने डेंसिटी लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालता हूँ उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, मेरा कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ कितने के लिए कर रहा हूँ, 1 MQ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 MQ के लिए निकाल लूँ, और जिसका जो वॉल्यूम है दोस्तों वो कितना है, वॉल्यूम कितने के लिए निकालो, 1 MQ के लिए निकालो, मतलब क्यूब किया कि उसकी जो डायमेंशन होती है सेम होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ फिर 1 MQ है मेरा क्या वॉल्यूम, अब मैं निकालता हूँ ड्राई वॉल्यूम होता है वेट वॉल्यूम इनटू 1.54, ये क्या मेरा फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेट वॉल्यूम क्या 1 और 1.54 इक्वल टू जो ड्राई वॉल्यूम आएगा 1.54 MQ, ये क्या आएगा मेरे दोस्तों ड्राई वॉल्यूम। ये ड्राई वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ जो हमारा ग्रेड कौन सा है दोस्तों, जो अपने ग्रेड लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है दोस्तों M30 है। ठीक है दोस्तों, M30 का ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, इसका जो रेशो होता है 1:0.75 + 1.5। ठीक है, ये होता है रेशो, जिसको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशो। ठीक है, 1 + 0.75 + 1.5 एंड सबको मैंने ऐड करके जो आया 3.25, इतने क्या मैंने सम रेशियो को सम कर लिया। ठीक है दोस्तों, सम करके जो आया 3.25 आया। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालता हूँ सीमेंट के लिए फॉर सीमेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों उसका, ड्राई वॉल्यूम इनटू सीमेंट का रेशियो लेके चलेंगे, रेशियो ऑफ सीमेंट फॉर
सम ऑफ प्रेशर इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट, की डेंसिटी लेके चलेंगे, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम क्या है हमारे दोस्तों, सेम रहेगा 1.54। रेशियो ऑफ सीमेंट का क्या 1 है, सम ऑफ रेशियो क्या 3.25 है, इनटू डेंसिटी कितना 1440 है, ठीक है दोस्तों। 1440 क्या है डेंसिटी, हमें इसको कैलकुलेशन करके जो अपना सीमेंट की जो क्वांटिटी आएगी 682.33 kg, मतलब कि लमसम में जो मेरा एक बैग जो होता है सीमेंट का, जो अपना एक बैग का जो वेट होता है 50 kg, ठीक है दोस्तों, 50 kg होता है, ठीक है दोस्तों। मैं कितने से 50 kg से डिवाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों, 50 से जो मैं डिवाइड करूँगा तो दोस्तों, तो लमसम मेरा जो आएगा 50 kg से डिवाइड करूँगा तो लमसम मेरा जाएगा 13.64, मतलब कि लमसम मेरा जो बैठेगा वो 14 बैग सीमेंट आएगा, सीमेंट की जो क्वांटिटी जो रहेगी वो 14 बैग रहेगी, ठीक है दोस्तों। सीमेंट कैलकुलेट कर लिया, अब मैं बात करूँ मैं फोर सैंड के लिए, सैंड के लिए बात करूँ तो उसको उसका जो रहेगा ड्राई वॉल्यूम फॉर्मूला इंटू रेशो ऑफ सैंड के लिए निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। सीमेंट के लिए ये बात करें तो सीमेंट के लिए लेकर चलेंगे, सैंड के लिए लेकर सैंड के लेकर चलेंगे, और सम ऑफ रेशो इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड, सैंड की डेंसिटी लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ड्राई वॉल्यूम क्या हमारा 1.54, रेशो ऑफ सैंड का कितना, रेशो ऑफ सैंड का जो था दोस्तों कितना हमारा, रेशो ऑफ सैंड का कितना था 0.75, ठीक है, 0.75/3.25, जिसको सैंड की जो डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों 1600 होती है, ठीक है दोस्तों। 1600 क्या आती है, सीमेंट की डेंसिटी होती है, ठीक है दोस्तों। जो इसको जो डिवाइड करके जो अपना सीमेंट की जो सॉरी सैंड की जो क्वांटिटी आई 568.61, मतलब कि मेरे 569 kg सैंड लगेगा, मतलब कितना 569 kg सैंड लगेगा, ठीक है दोस्तों। सैंड भी कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों मैंने, सैंड भी कैलकुलेट हो गया, उसके बाद निकालते हैं एग्रीगेट, ठीक है दोस्तों, फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट एग्रीगेट की बात करें तो ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट लेके चले सम ऑफ रेशियो इनटू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट की, ठीक है, एग्रीगेट की हम डेंसिटी लेके चलेंगे, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम क्या रहेगा 1.54 इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट का कितना 1.5, सम ऑफ रेशियो 3.25, और एग्रीगेट की डेंसिटी 1550 kg है। तो लम से मैंने जो कैलकुलेट करके जो आया है एग्रीगेट की वो आया अपने 1101.69, मतलब कि 1102 kg अपने एग्रीगेट जो लग रहा है दोस्तों कितना, 1102 kg लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ वाटर की, मतलब कि अपने जो वाटर जो उसमें लग रहा है दोस्तों वो कितना लगेगा, ठीक है। और सीमेंट जो लग रहा है कितना है, 14 बैग लग रहा है, और सैंड जो लग रहा है 569 बैग लग रहा है, और सैंड की जो एग्रीगेट की जो बात करूँ 1102 kg अपना एग्रीगेट लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ वाटर के लिए, जो अपना वाटर कितना यूज़ करेंगे फॉर वाटर, ठीक है दोस्तों, वाटर के लिए, ठीक है, 0.4 से लेके 0.5 तक हम वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एवरेज लेके चलता हूँ 0.45, ठीक है, इनटू सीमेंट इन केजी में, केजी में जो सीमेंट लग रहा है 0.45
इंटू सीमेंट जो लग रहा है दोस्तों कितना लग रहा है, अपने जो सीमेंट जो है 682.33, 682.33 लग रहा है दोस्तों, 682.33 अपने क्या लग रहा है इसमें सीमेंट। ठीक है, इसको जो मैं कैलकुलेशन करके जो मेरा पानी वाटर की जो क्वांटिटी आई 307.048 केजी, सॉरी लीटर, मतलब कि मेरे जो लग रहा है इसमें लमसम 307 लीटर इसमें वाटर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूँ इसमें सीमेंट कितने बैग लग रहा है, 14 बैग सीमेंट लग रहा है और सैंड जो लग रहा है 569 लग रहा है, 569 केजी सैंड लग रहा है। और एग्रीगेट की बात करूँ तो 11 से 2 केजी अपने एग्रीगेट लग रहा है। और वाटर के लिए जब बात करूँ मैं दोस्तों, जो वाटर जो लग रहा है 307 केजी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कौन सा ग्रेड जो लग रहा है, मिक्स ग्रेड जो है M30 का निकला है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा M30 का जो अपने ग्रेड है और उसमें जो सीमेंट की और सैंड की और एग्रीगेट एंड वाटर की जो क्वांटिटी है वो मैंने इस वीडियो में कैलकुलेट करके बताया। ठीक है दोस्तों, सीमेंट कितना लग रहा है और एग्रीगेट कितना लग रहा है और सैंड कितना लग रहा है एंड वाटर कितना लग रहा है। ठीक है, सभी की वैल्यू मैंने इसमें कैलकुलेट करके मैं बताया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों।